गाइस चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि कहाँ का अपडेट चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ का अपडेट चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। एक बार फिर से आपका दोस्त अतुल आपके साथ। और बहुत ही अपडेट आ रहा था, मतलब कि बहुत ही कमेंट आ रहा था, अपडेट नहीं कि लोहिया पथ चक्र का अपडेट दीजिए, कुछ बदलाव हुआ है, कुछ चेंजेस हुए हैं लोहिया पथ चक्र में, जो कि बेली रोड में है, पटना वुमेंस कॉलेज के आगे, हड़ताली मोड़ के आगे। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, सुबह के 8 बज रहे हैं 8 बजे निकले हैं। सुबह सुबह ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहता है, इस कारण सुबह सुबह ही निकलते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है, लेकिन ये काम लोहिया पथ चक्र फेज टू का काम है, ये फेज वन का काम नहीं है। फेज वन का काम थोड़ा सा आगे है, विश्व सरैया भवन के थोड़ा सा आगे से, वो फाइनली कंप्लीटेड है फेज वन का। ये सब जो वर्क देख रही है फेज टू का वर्क है, इसका भी अपडेट देंगे आपको, शायद नेक्स्ट वीडियो में इसका अपडेट आ जाए। तो अभी फिलहाल चलते हैं लोहिया पथ चक्र फेज वन का अपडेट देने के लिए। शांतनु भैया काफी दिन से बोल रहे थे। शांतनु भैया वीडियो देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना मेरी बात को, आपका नाम लिया जा रहा है शांतनु भैया। तो आपका ये डिमांड था कि लोहिया पथ चक्र का कुछ अपडेट दो, काफी चेंजेस हुए हैं, बोर्ड लगे हैं और पता नहीं क्या क्या लगा है। तो निकले हैं सुबह सुबह अपडेट देने के लिए शांतनु भैया के नाम पे। ऐसा कोई नहीं है, सबके लिए अपडेट है, बस शांतनु भैया थोड़ा ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको देखना था कि क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, तो सोचे कि चलो वीडियो बना देते हैं। तो शांतनु भैया कमेंट कर दीजिएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, ताकि लोग भी आपकी कमेंट देख के कमेंट करें कि हाँ भाई, अतुल भाई जो है वो पटना के रहने वाले हैं और यूथ ऑफ पटना उनका चैनल का नाम है और वो काफ़ी अच्छा अपडेट वाला वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है बेसिकली लोहिया पथ चक्र, हाँ, यहाँ से शुरू होता है बेसिकली लोहिया पथ चक्र का काम। तो सबसे पहला अपडेट ये है कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया गया है, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि ये रोड काफ़ी परेशानी वाला रोड है और काफ़ी झंझट वाला रोड है। इतना ना इसमें इंटरचेंज है ना कि लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए, अगर आपको हवाई अड्डा जाना है, आप बेली रोड से आप आ रहे हैं, तो आप इस पुल पे नहीं चढ़िएगा, नीचे से जाइएगा हवाई अड्डा के लिए। सीएम हाउस भी अगर आपको जाना है तो इस फ्लाईओवर पे आप नहीं चढ़िएगा, याद रखिएगा। अगर बेली रोड में आ रहे हैं, सीएम हाउस जाना है, तो आप इस फ्लाईओवर पर नहीं चढ़ के नीचे से जाइएगा। और वही अगर आपको सगुना मोड़ और IGIMS जैसे जगह पर जाना है, तो आपको फ्लाईओवर पर चढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम नीचे के थ्रू चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि और क्या कुछ अपडेट हुआ है। सबसे पहला अपडेट तो ये था कि यहाँ पे एक बोर्ड बना है और वो बोर्ड में सारे इंडिकेट किए गए हैं, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी उलझा हुआ है और यहाँ पे एक सीढ़ी बनाया गया है। जो लोग फ्लाईओवर पर नहीं चढ़ पाएंगे, वो यहाँ से पैदल आएँ और उसके बाद इस सीढ़ी के थ्रू जो है वो फ्लाईओवर पर चढ़ जाएँ। एक बहुत ही खूबसूरत सीढ़ी बनाया गया है और अंडर पास में भी एक सीढ़ी बना दिया गया है, ताकि अंडर पास से भी जो लोग पैदल आए ना, वो सीढ़ी के थ्रू जो है वो फ्लाईओवर पर चढ़ जाएँ। तो अंडर पास में भी हम आपको लेके चलेंगे। यहाँ पे दूसरा अपडेट था, यहाँ पे एक सीढ़ी लगा दिया गया है, ताकि लोग फ्लाई ओवर पर चढ़ जाए। बहुत लोग होती है ना फ्लाई ओवर पर चलने में परेशानी होती है, तो इस कारण जो है वो एक सीढ़ी बना दिया गया है, ताकि सुविधा हो जाए लोगों को। अब चलेंगे उस वाले रोड में, BPSC ऑफिस के साइड वाले रोड में, लोकायुक्त का कार्यालय। जी हाँ, यही लोकायुक्त का कार्यालय, BPSC ऑफिस। और इधर से चलेंगे सीधा फिर बेली रोड में, ये यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा दिया गया। देखिए, इधर जाइएगा तो BPSC जाइएगा और अभिलेख भवन, और अगर आप इस अंडरपास में घुसिएगा तो आप सीधे चल जाइएगा पुनाई चक और इनकम टैक्स गोलंबर, अगर आप इधर से जाइएगा तो। और ये पीछे से रास्ता जो आ रहा है, ये रास्ता आ रहा है किधर से, सीएम हाउस की तरफ से, सर्कुलर रोड की तरफ से। तो इसमें आप घुसेगा अंडरपास में, तो आप सीधा बेली रोड में चल के इनकम टैक्स और डाक बंगला चल जाएगा। लेकिन अब अंडर पास में नहीं घुस के अगर आप इधर से जाइएगा, तो आप सीधा फिर से बेली रोड में चल जाएगा, पंचमुखी मंदिर के साइड चल जाएगा। तो काफ़ी कुछ अपडेट निकल के आ रहा है, जैसा कि शांतनु भैया ने बताया कि बहुत बड़ा बड़ा अपडेट हुआ है। तो सही बात है भाई, बोर्ड सारे जगह लगा दिए हैं, क्योंकि काफ़ी डिस्टर्बेंस वाला ये रोड है, लोग अकबका जाते हैं इस रोड में आते हैं तो, क्योंकि इसमें लगभग 50 इंटरचेंज है, 50-60 रास्ता इससे जुटा हुआ है पटना का, 49 इंटरचेंज तो पेपर में दिया हुआ था। और ये एक केबल ब्रिज है, ये केबल ब्रिज एक्चुअली सिर्फ उधर से आने वाले लोगों के लिए है। इधर से आप जाना चाहते हैं तो आप इधर सर्विस रोड से ही जा सकते हैं। आपको केबल ब्रिज पे भी चढ़ के दिखाएंगे और बताएंगे कि अगर ये केबल ब्रिज पे आप चढ़ रहे हैं, बेली रोड के साइड से आ रहे हैं, चिड़ियाघर के साइड से आ रहे हैं,
सगुना मोड़ के साइड से आ रहे हैं, और अगर आप बाई चांस इस केबल ब्रिज पे अगर आप चढ़ गए तो आप कहाँ चल जाइएगा, ये भी हम आपको अभी चढ़ के दिखाएंगे। ये वीडियो नॉन स्टॉप रहेगा, नो एडिटिंग रहेगा, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा उसके लिए माफ़ी, लेकिन हम बिना एडिटिंग के अब वीडियो डालेंगे। कोई एडिटिंग नहीं, कोई कट फट नहीं, जो भी रहेगा सब नॉर्मल रहेगा। जो भी डिवाइडर था यहाँ पे सब खत्म कर दिया गया है। गाड़ी डिवाइडर से मोड़ने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ेगा मेरे को, तो अभी गाड़ी जो है वो डिवाइडर से मोड़ के यू टर्न लेते हैं, और पता नहीं कहाँ पे यू टर्न है, शायद यहाँ पे एक यू टर्न है, क्योंकि सारे यू टर्न को बंद कर दिया गया, क्योंकि बेली रोड को जो है ना वो नॉन स्टॉप रोड बनाना है भाई साहब, नॉन स्टॉप रोड। बेली रोड में कोई रुकावट नहीं आना चाहिए, एकदम गाड़ियां जो है वो फटाक फटाक रेंगते रहनी चाहिए। मेरे को हाथ दिखा रही थी तो यहाँ से यू टर्न लेने के बाद पंचमुखी मंदिर के पास आ गए, और इसके बाद सीधा जाएंगे। देखिए वीडियो बिना कट के रहेगा, नो एडिटिंग रहेगा, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, मैनेज कीजिएगा, लेकिन हम एडिटिंग नहीं करने वाले हैं, हम जो शूट करेंगे वो डायरेक्ट डालेंगे, बस लोगो लगा के, और थोड़ा सा आगे में थोड़ा एक इंट्रो टाइप का, एक थोड़ा सा अपडेट टाइप का। तो यू टर्न लेने के बाद हम जब आ रहे हैं सगुना मोड़ के साइड से, चिड़ियाघर के साइड से, और बाई चांस गलती से हम अगर इस फ्लाई ओवर पे चढ़ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे ये अभी हम आपको बताते हैं। अगर आप नीचे जाइएगा तो इनकम टैक्स और पटना हाईकोर्ट चल जाइएगा, और अगर आप इस फ्लाई ओवर पे चढ़िएगा तो हवाई अड्डा और सेक्रेटेरिएट मतलब कि सचिवालय, इको पार्क, सीएम हाउस, आप किधर भी जा सकते हैं। ये एक सुंदर सा ब्रिज बनाया गया है, काफ़ी सुविधाजनक है। अगर आप सगुना मोड़ से आ रहे हैं, आपको इको पार्क जाना है, तो आपको पूरा इनकम टैक्स से घूम घाम के जाने की जरूरत नहीं है। ये फ्लाई ओवर पर कर लीजिए आप, ये फ्लाई ओवर से सीधा आप चले जाइएगा सीएम हाउस, सेक्रेटेरिएट, इको पार्क, जहां आपको जाना है वहां आप सीधे चले जाइएगा, एकदम बिना बेझिझक के चले जाइएगा, बेझिझक वाला बात है। तो यही कुछ अपडेट हुआ है, सभी जगह बोर्ड लगा दिए गए हैं ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, और काफ़ी कन्फ्यूजन वाला ये रोड पहले से भी था, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला रोड है, बहुत ज़्यादा। हम शुरू शुरू खुद आए थे तो काफ़ी कन्फ्यूज हुए थे, यहाँ घुसे वहाँ निकल गए, वहाँ घुसे यहाँ निकल गए, बहुत कन्फ्यूजन हुआ था मेरे को भी। ये देखिए जहाँ से हम आपको लेके गए थे वहाँ से फिर से आ गए ना, ये सीधा रास्ता आपका चला जाएगा सी एम हाउस, सेक्रेटेरिएट, और अगर आप उधर से घूम घाम के जाएंगे तो आप इनकम टैक्स भी जा सकते हैं। अब हम आपको अंडरपास में लेके चलते हैं, ठीक है, ये अंडरपास है, ठीक है, ये अंडरपास वाला एरिया है। ये अंडरपास में अगर आप जाएंगे तो पुनाई चक और इनकम टैक्स गोलंबर जाएंगे, मतलब पुनाई चक साइड, बेली रोड के साइड, बोरिंग रोड के साइड। ये अंडरपास में घुस के और आप राइट टर्न लीजिएगा तो आप डाक बंगला की तरफ जाइएगा, इनकम टैक्स की तरफ जाइएगा, और पटना हाईकोर्ट की तरफ जाइएगा। अगर आप सर्कुलर रोड से आ रहे हैं, सीएम हाउस की तरफ रोड से आ रहे हैं, इको पार्क के रोड से आ रहे हैं, उस साइड से, पीछे के साइड से, उस साइड से, तो अगर आप इस अंडरपास में बाई चांस घुस गए और आप सोचे कि हमको अंडरपास में घुस के ओने निकल जाएंगे पंचमुखी मंदिर बाद में, तो ओने नहीं जा पाइएगा भाई साहब। अगर आप इस अंडरपास में घुस गए, अगर आप इको पार्क साइड से आ रहे हैं, सर्कुलर रोड से आ रहे हैं और अंडरपास में घुस गए, तो आप सीधा बेली रोड में निकल जाएगा, इनकम टैक्स के साइड, डाक बंगला रोड वाला साइड मिल जाएगा, जो अटल पथ फ्लाई ओवर है उस साइड आप निकल जाएगा। ये देखिए निकल गए ना, तो काफ़ी कंफ्यूजन रोड है। अगर आप लोग इस रोड में आ रहे हैं तो काफ़ी संभल के आइएगा, क्योंकि बहुत ही खतरनाक रोड है कहाँ से क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता है, मतलब वही कि किधर से किधर हो रहा है। और यहाँ पे हम अभी थोड़ा रूल तोड़ेंगे, क्योंकि हम रूल तोड़ने में माहिर है, अभी सुबह का टाइम है, पुलिस नहीं रहती है तो अब एक छोटा सा अपडेट और रह गया, पता है क्या, ये फ्लाई ओवर पे हम अभी तक नहीं चढ़े हैं। अगर आप डाक बंगला से आ रहे हैं, सगुना मोड़ जाना है, तो ये फ्लाई ओवर पे आप चढ़ जाइएगा, ठीक है। जैसे हम अभी चढ़ गए ये वाले फ्लाई ओवर पे, ये फ्लाई ओवर पे अगर आप चढ़ गए और अगर आप आ रहे हैं इनकम टैक्स के साइड से, डाक बंगला के साइड से और पटना वुमेंस कॉलेज के साइड से, और अगर आपको सगुना मोड़ जाना है तो आपको फ्लाई ओवर पकड़ना होगा। अगर आप फ्लाई ओवर नहीं पकड़िएगा तो आप चल जाइएगा नीतीश कुमार के घर है सीएम हाउस नीचे में जाइएगा, तो ठीक है। और ये वही वाला फ्लाई ओवर है जिसपे हम अभी थोड़ा देर पहले राइड किए थे, और इसके नीचे से एक अंडरपास बनाया गया है, ये वाला रोड जिस रोड पर अभी चल रहा है, ये आ रहा है डक बंगला साइड से और इसके नीचे के थ्रू से ये गया हुआ है, काफ़ी भौचक्का वाला रोड है, समझे, भौचक्का वाला रोड
ये दोनों रोड लेफ्ट साइड में ही है, दोनों रोड लेफ्ट साइड में ही है, लेकिन एक लेफ्ट साइड जाने वाला है और एक लेफ्ट साइड जो है दूसरा आने वाला है, ऐसा कुछ सीन हो रहा है। और एक अपडेट और रह गया, अभी यहाँ से फिर यू टर्न लेंगे जिस प्रकार अभी थोड़ा सा पहले लिए थे, एक बार फिर से यू टर्न लेंगे और उसके बाद ललित भवन के थ्रू आपको एक और फ्लाई ओवर चढ़ के दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या कुछ बोर्ड लगा हुआ है और क्या कुछ बोर्ड नहीं लगा हुआ है। तो हम ऐसे घूमते घूमते मेरा 6 किलोमीटर हो गया भाई साहब हम 6 किलोमीटर घूम लिए ऐसे घूमते घूमते, और जय हनुमान, 6 किलोमीटर घूम लिए हम। तो यही कुछ अपडेट है। शांतनु भैया बोल रहे थे कि काफी कुछ अपडेट हुआ है, सही में हुआ है, बोर्ड वोर्ड सारे लगा दिए ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। बहुत कन्फ्यूजन होता था इस रोड में, काफी सारा इसमें इंटरचेंज था, इंटर जंक्शन था, बहुत ज़्यादा इंटरजंक्शन था। देखिए एक बार फिर से आ गए ना पंचमुखी हनुमान मंदिर वाला रोड में। तो यही हम घूम रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, आप लोग का अपडेट देने के लिए, आप लोग का डिमांड पूरा करने के लिए। आपका भाई ऐसे ही आपका डिमांड पूरा करता रहेगा, बस आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर आपका भाई अपडेट नहीं दिया उस कमेंट पे, तब मेरा नाम भी अतुल पटेल नहीं, भाई साहब चैलेंज दे दिया हूँ आपको, कमेंट कीजिए, अपडेट पाइए। ओ तेरी, ये तो एक मैम है जो पैशन प्रो चला रही है। हाँ, तो पिछले बार ये फ्लाई ओवर पे चढ़े थे, लेकिन अबड़ी बार हम नीचे से जाएंगे, और अगर नीचे से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, सीधा डाकबंगला, इनकम टैक्स और पटना हाई कोर्ट। और अगर ये फ्लाई ओवर पे चढ़ जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, सेक्रेटेरिएट, इको पार्क और नीतीश कुमार जी के घर है सीएम हाउस। तो याद रखिएगा, अगर आप आ रहे हैं सगुना मोड़ से, जाना है डाकबंगला साइड, गांधी मैदान के साइड, ये केबल ब्रिज आपको नहीं पकड़ना है। अगर केबल ब्रिज आप पकड़े तो समझिए कि आप सीएम नीतीश कुमार के घर गए इसलिए ये एक फ्लाईओवर है ललित भवन के पास, ये फ्लाईओवर से भी आप आ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये नीचे से भी जा सकते हैं, एक सर्विस रोड है, ये नीचे से भी आप जा सकते हैं। तो ये आपके मन के ऊपर है, अगर आपको ऊंचाई पसंद है तो आप फ्लाईओवर पर चढ़ जाइए, क्या दिक्कत है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रखी गई है, बट हम तो 40, 50, 60 सब चला रहे हैं तो ये देखिए, ये अंडरपास है जिसके थ्रू अभी हम निकले थे, वो उधर से घुस के, और वो वाला सर्विस रोड है। तो यही कुछ सीन है, और ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है, बस बोर्ड लगा दिया गया है हर जगह, और काफ़ी इंटरचेंज वाला रोड है, आप लोग को भी पता है, काफ़ी इंटर जंक्शन है इस रोड में, बहुत सारा इधर से उधर, उधर से उधर निकला हुआ है इस रोड के थ्रू, बहुत सारा रास्ता निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा रास्ता निकला हुआ है। और तो यही अपडेट था, तो आई होप आपको अपडेट अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है अगला अपडेट में, और अगला अपडेट शायद रहेगा यही लोहिया पथचक्र फेज 2 का काम, जो कि उस रोड में हो रहा है, कौन रोड में, दरोगा राय पथ वाले रोड में, तो उसका भी अपडेट देंगे आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।